एमएसएमई फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे न्यू स्टार्टअप्स और न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या पॉलिसीज हैं। बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, यूथ के लिए देर आर सो मैनी न्यू पॉलिसीज। न्यू जैसे स्टार्टअप्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि 7 ईयर्स में 3 साल इनकम टैक्स माफ़ है, कॉरपोरेट टैक्स में कई बेनिफिट्स हैं। आप अगर इनोवेशन करते हैं तो उसके लिए इनोवेशन फंड है उनका। स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी स्कीम है कि 2 करोड़ तक का लोन बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के मिलेगा, उसकी गारंटी सरकार गवर्नमेंट देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएम उसकी गारंटी देती बैंक को। इफ़ एमएसएमई डिफॉल्ट्स देन बैंक इज पेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एमएसएमई 25% मैंडेट कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर को, पीएसयूज को, अब प्राइवेट सेक्टर में भी किया। दे हैव टू प्रोक्योर 25% फ्रॉम एमएसएमईज, नहीं तो उनसे लेते नहीं थे। बैंक्स की इंटरेस्ट में कुछ कंसेशंस हैं। अभी छोटे छोटे व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोविडेंट फंड की स्कीम्स, इट्स नॉट प्रोविडेंट फंड बट पेंशन स्कीम्स, कई स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इजीली लोन नहीं मिल पाता है बहुत सारे, जैसे कि अगर 5 या 10 लाख का भी लोन होता है छोटे व्यापारियों के लिए, वो लोन जो है नहीं मिल पाता बैंक से, उसके लिए क्या कर रही हैं एमएसएम? देखिए, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्कीम्स बनाई हैं, उसमें थोड़ी सी कमी हमारे एमएसएमईज की है। भाई, कागजों का पेट तो भरना पड़ेगा, बैंक कैन नॉट थ्रो द मनी। अब वो इनको समझ नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, मैंने कई बार देखा है डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंप्लीट, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं भी है पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लोग टैक्स पे नहीं करते, आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी? आजकल तो ऑनलाइन 59 मिनट्स में लोन होता है, पर आपने कभी टैक्स ही नहीं दिया, कभी बिल ही नहीं काटे, आज आपको जी हमें लोन मिले। देयर हैज टू बी, या आप कोलेटरल दो या अपना कोलेटरल के तौर पर बैकग्राउंड दो। अब मैं हूँ, मेरे क्रेडिट कार्ड्स पे इतनी हिस्ट्री अच्छी है, रोज आता है 20 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, बिकॉज वो हिस्ट्री बनी। तो मैं अपने एमएसएमईज को कहता हूँ, स्टार्ट क्रिएटिंग योर हिस्ट्री, स्टार्ट पेइंग सम टैक्सेस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर अकाउंट्स। वो आदत पड़ी 60-70 साल में, जो सब कुछ करो, पैसे रिश्वत दो कर लो, देन नाउ टाइम्स आर चेंजिंग। सिमिलरली ऑफिसर्स कहीं ना कहीं वो भी अभी पुरानी मानसिकता से ग्रस्त हैं, तो वी आर बोथ हैव टू कम क्लोजर। गवर्नमेंट का डंडा, हमारी जैसी संस्थाओं का डंडा, हमने बुलाए ना जी बैंक, हमें यहाँ बताएं, हम इनकी खींचेंगे, यू नो। सो टाइम लगता है, पर 130 करोड़ लोग हैं, अगर 1 करोड़ को मिल भी गया, 2 करोड़ को मिल गया, बाकियों को नहीं मिला, वो रोते हैं हमें नहीं मिला। पर गवर्नमेंट का बैंक कहते हैं हमने 2 करोड़ को दे दिया, हमारे पास पैसे ही इतने थे। पर प्रयास चल रहा है, आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग। दोबारा मोदी जी के आने से मैं बहुत होपफुल हूँ कि थिंग्स विल इम्प्रूव। जॉब जनरेशन के लिए क्या पॉलिसीज हैं? आज बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। देखिए, एमएसएमई सेक्टर को मोदी जी पुश इसीलिए कर रहे हैं कि 80% जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर आर जनरेटेड बाय एमएसएमई सेक्टर। अब मानसिकता बदलनी पड़ेगी, अब हर एक को जॉब चाहिए, सेफ है, रिस्क नहीं है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, कहाँ से होगा भैया, अपने काम करो। अब जॉब कितने की मिल जाएगी? 20-30 हज़ार की। मेरे घर में जो टैंक साफ करता है, वो जो प्लम्बर 35 हज़ार रुपये कमाता है और 2 घंटे काम करता, अपना मालिक खुद है। पर वो दूसरा है, स्किल्स को पहचानना और स्किल एनहांसमेंट, आप अपनी स्किल्स को पहचानिए, उसकी एनहांसमेंट करिए। मेरे को 20 लोग चाहिए अपनी कंपनी के लिए, मिल नहीं रहे मेरे को। तो ये दोनों तरफ है, मिक्स एंड मैच, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम है। और इधर से ये है, दिल्ली में कहाँ मिलते हैं, एम्प्लॉयज ही नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ये मंदी है, मंदी है, वो बुखारा जाओ वहाँ कौन सा मौर्या में, लाइन लगी 1-1 घंटे की वेटिंग है, एक परौंठा 5 हज़ार रुपये का है, कैसी मंदी है?
तो थोड़ा थोड़ा सब लोगों को, गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारियाँ, हमारी भी हैं, और जो इंडस्ट्री के बिजनेस काम करते हैं उनकी, तीनों को मिलके काम करना है, तभी हम आगे बढ़ें। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या पॉलिसीज हैं, और वुमेन एंटरप्रेन्योर अगर कोई अपना उद्योग स्टार्ट करना चाहती है तो गवर्नमेंट कैसे उनकी हेल्प करती है? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत स्कीम्स हैं, और जैसे ये एग्जीबिशन है, अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर यहाँ स्टॉल लगाना चाहे गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी, और कई तरह की बैंकों के लोन, दे आर मच ईजियर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और बाकी कई बार लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, ये मैं नहीं मानता, वुमेन नीड एम्पावरमेंट। अब आप हो, डू यू नीड एनी एम्पावरमेंट? यू डोंट नीड। मेरी ग्रैंड मदर थी, अनपढ़ थी, वो एंटरप्रेन्योर थी, घर की सारी दालें मसाले आटे चक्कियाँ पीस के सब घर का वो बनाती थी, शी वॉज एन एंटरप्रेन्योर। तो हमारे देश की वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और पहले अपॉर्चुनिटीज़ कम थी इसलिए वो घर को संभालती थी, अब थोड़ा खर्चे ज़्यादा हैं वो आगे बढ़ रही हैं। मेरे को तो लगता है कि हर जगह वुमेन आर एक्सेलिंग, देर नोट नीड एनी सपोर्ट, और एनी बेचारे वाली बात नहीं है, उनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग दैम ऑन प्रायोरिटी। इफ एनी वेयर वी कैन बी हेल्पफुल, वी लव टू डू इट। सब्सिडी के बारे में अगर हम बात करें कि, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग सब्सिडीज हैं, तो फिर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो समझता हूँ सब्सिडी होनी नहीं चाहिए। बैसाखी किसको चाहिए? लंगड़े को, जो चल सकता है उसको बैसाखी की जरूरत नहीं है। व्हाई डू वी नीड सब्सिडीज? मैं जहाँ जाता हूँ मेरे एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमारी पेमेंट टाइम से मिले, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब कॉरपोरेट्स हैं, उन 6% लोन मिलता, हमें 12% में, हमें भी दो, हम पीट देंगे। सो वी आर वेरी पावरफुल, और हमारे लोगों में डीएनए में एंटरप्रेन्योरशिप है। वो कहते हैं हमें सब्सिडी होनी नहीं चाहिए, सब्सिडी दे के हम खराब कर रहे हैं। अब जिसको मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं वो क्या करेगा? तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज। हाँ, हैंडीकैप्स हैं मेरे यहाँ, हैंडीकैप्ड एग्जीबिटर, उनको दीजिए सब्सिडी, दे नीड इट, यू नो। जो सक्षम हैं उनको काहे की सब्सिडी, काम करो, मेहनत करो और एक्सेल करो। बट गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी। एमएसएमई में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, अगर कोई इंसान अपने खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहता है या कुछ अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए क्या क्या, कैसे वो इंसान जो है रजिस्टर करे? रजिस्ट्रेशन मैं तो कहता हूँ, मैंने ये, हमने ये मेला इसलिए रखा है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन है यहाँ स्टार्टअप्स की भी और एमएसएमईज की भी, एक मिनट में फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं, एंड यू गेट रजिस्टर्ड। अब मेरे एमएसएमईज इनोसेंट हैं, बड़े भोले हैं, वो यही नहीं फायदा ले रहे कि भाई यहाँ आएंगे यहाँ पर नहीं करा के जाएंगे फ्री में, नहीं जी नहीं, ऑनलाइन क्या, यहाँ बंदे बैठे हैं, गवर्नमेंट के बंदे बैठे हैं, वो करने को बैठे, इसीलिए उनको यहाँ बैठा रखा है, नहीं कर रहे, तो अनभिज्ञता है। तो ऑनलाइन रजिस्टर करिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया है, वी हैव गिवन लिंक्स कि ये 50 हमने इंडस्ट्रीज बताई हैं, छोटे छोटे काम हैं। मैडम मोबाइल रिपेयर, मैंने स्क्रीन चेंज करानी थी, 800 रुपये ले लिए, अभी मैंने एक को ये मोबाइल रिपेयर का काम कराया, 250 रुपये में स्क्रीन चेंज कर रहा, और उसमें भी 100 रुपये कमा रहा। He can even charge 500, make money. So you have to come forward. Government कर रही है, हमें करना है, society कर रही है, तो ये mix match हो रहा है। I think we are looking for good days. And आप लोग, ये आपके माध्यम से चीज़ें communicate हों, लोग इस चीज़ को समझें। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, I congratulate you and keep on helping MSMEs. Thank you so much.